बाहर का व्यू है ये। यहाँ पे कुछ टूरिस्ट जो आए थे, तकरीबन 3 बसें इन्हों की आई थी रात। अस्सलाम वालेकुम नेट भाई, क्या चाल है? तबे सही है, ये आ गई इसको। पद आ गई है, ठीक है। पराठे आ गए, आलू वाला पराठा भी आ गया। ये जो पहाड़ होते हैं बहुत खतरनाक पहाड़ होते हैं, क्योंकि इन्हीं पहाड़ों पे स्लाइडिंग होती है भाई, ऐसे ही है ना? नहीं। यहाँ से ग्लेशियर जो है ना, उन्हों का पानी आ रहा है नीचे, और उन्हों का पानी की जो है ना स्पीड चेक करें, स्पीड देखें पानी की। बंदा गया ना तो भाई अली कैंपिंग करके बैठे हुए, इनसे भी मुलाकात थोड़ी बोर होती। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब कैंपिंग से होंगे ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमन में रखे, सर सारा ले अपने हिफ्ज़ो अमन में रखे। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एन एन द व्लॉग। तो आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इतना काला आ रहा हूँ खुदाई कसम, क्या हो गया असद। तो आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यार अगर आपने कल वाला व्लॉग देखा है तो ठीक है, अगर नहीं देखा है तो पहले जाके कल वाला व्लॉग देखें, उसके बाद ये देखें, क्योंकि कल हम बहुत ज़्यादा जलील हो गए थे, ख्वार हो गए थे। और उसके बाद जो है हमने यहाँ होटल लिया था, तो कमरे का मैं बिजी था, आपको करवाऊँ, कमरा सही था। सही है, ये डबल बेड, ये सिंगल बेड, ये एयर कूलर लगा हुआ है, पंखा, तो कमरा सही है, नॉर्मल है। वॉशरूम आपको मैं दिखा दूँ, ये वॉशरूम है। आज की आउटफिट हमारी ये क्या है? किसका है ये? यही होटल वालों का है, पता नहीं कौन भूल गया यहाँ पे। ये हमारी होटल है, ठीक है। बाहर का व्यू है ये। यहाँ पे कुछ टूरिस्ट जो है आए थे, तकरीबन 3 बसें इन्हों की आई थी रात में। तो हम तो काम करवाने के लिए गए थे, हम जब आए तो यहाँ पे 3 बसें आ गई थी। हमने जितनी प्लानिंग की थी ना उतनी आप भी नहीं कर पाओगे। हमने ये सोचा कि यार नारायण में हम इतने बजे हम निकल कर पड़ेंगे और हम हुंजा रात तक पहुंच जाएंगे। तो यकीनन हम हुंजा रात तक पहुंच जाते, मगर हुआ कुछ यूँ, गाड़ी का मसला हो गया। नारायण में से हमने बोला हम जो है 3 बजे निकलेंगे। नारायण में हम कितने बजे निकलें? 1 बजे निकलें, 2 घंटे पहले हम हुंजा पहुँचते हैं। मगर क्या है, कुछ बातें, उस बातों की वजह से जो है ना गाड़ी ने धोखा दे दिया, उस लिए तो अभी तो कुछ नहीं हो सकता ना। ऊपर से जुमे का दिन हो तो भाई मजा आ जाता है, जस आ जाती है। जुमे के दिन कौन से मिस्त्री मिलेंगे, कौन से काम होंगे, कौन से क्या होंगे, इसलिए जो है प्लानिंग ना करें, अल्लाह के ऊपर छोड़ दें और अपने रास्ते के लिए निकल आए। अस्सलाम वालेकुम नैन भाई, क्या चाल है? तबीयत सही है? तो यार पहले तो गाड़ी का काम करवाना है, क्योंकि गाड़ी जो है गैस पे सही है और गैस यहाँ पे मिलती नहीं है, तेल पे गलती है बहुत ज़्यादा, मिसिंग, इतनी मिसिंग गलती है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अभी देखें हल्के से पाँव पे भी जो है मिसिंग गलती है। अभी पहली फुर्सत में बनवाते हैं गाड़ी, उसके बाद घूमने फिरने के लिए जाएँगे इंशाल्लाह। अगर आपको फ़ोनें करनी है या अगर आपको इंटरनेट चलाना है, तो एक बात आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, बाबू सर टॉप से जैसे आप नीचे आएंगे तो आपके सिग्नल चले जाएंगे, सिम होंगे, कोई सिम नहीं चलेगी, ना जोंग चलेगी, ना टेलीनोर चलेगी, या ना मोबलिंग चलेगी, कोई भी नहीं, खाली एक सिम चलेगी, वो भी यहाँ की है एसकॉम एक चलेगी, उसके अलावा कुछ भी यहाँ पर नहीं चलेगी। तो अभी यहाँ से सिम खरीदते हैं तो फिर निकलते हैं आगे के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये आ गई इसको।
गिलगित से पहले आता है शहर जिगरौत। हम जिगरौत में अभी पहुंच गए ठीक है, और सामने ग्लेशियर देखें कितने अच्छे ग्लेशियर हैं। ओए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ग्लेशियर देखें कितने खूबसूरत और हसीन ग्लेशियर है। कोयता कराकरम से अभी हम नाश्ता करते हैं क्योंकि भूख लगी है बहुत ज़्यादा। नाश्ता हमने होटल से नहीं किया था, अभी यहाँ से नाश्ता करते हैं। इतने मशहूर हो जाओगे लोग यहाँ से उठा के लेके जाएंगे आपको, क्योंकि जब ये बैठते हैं खाने में किसी को नहीं देखते। नैन भाई होटल वाला क्या कह रहा था पता है? कह रहा था आप कितने लोग हो? मैंने कहा हम चार लोग हैं। बोले चार बार आते बहुत है। नाश्ते की शुरुआत आ गई है ठीक है, पराठे आ गए, आलू वाला पराठा भी आ गए। सारा खाना मुका दिया इस के लिए बंदे ने। गाड़ी यहाँ भी हमारी खुली हुई है ठीक है, और उस्ताद जी ने खोली है। उस्ताद जी मसला हो गया हल या नहीं? इस चीज का मसला नहीं था ना? नहीं नहीं वो ठीक था, वो सारे बंदे ने जो है ना रात इस चीज को खोला है। भाई उम्मीद करते हैं कि यार उस्ताद जी बना देंगे, क्योंकि ट्रिप जो है ना हमारा बहुत खराब होने वाला है। हाँ उस्ताद, टाइम दो हो गए ठीक है, गाड़ी हमारी बिल्कुल ही रेडी हो गई है। अभी अंकल जी के साथ ही साथ यहाँ पे तेल डलवा रहे हैं अंकल से। नैन भाई देख हमारे यार सुबह के निकले हुए 7 बजे से लेके 2 हो गए। आसमान तो बहुत अच्छा है, हम 4 बजे से नहीं है वो होटल से सुबह को निकले, हम 4 बजे से लेके पहले रात 2 बजे तक फजर होते रहे। हाँ 4 बजे से लेके सारी रात 2 बजे तक, उसके बाद सुबह से लेके अभी तक। पाई पाई ओ पाई भाई, आपने यहाँ पे जबरों पे कभी मारखोर देखा है? हाँ जी। अच्छा नहीं मारखोर तो नहीं देखा, आज रामखोर देखे। अच्छा सुबह से लेके वो देख रहे हो? रात से रामखोर में फंसे हुए अभी जाके, यार मैंने रामखोर किया पर चलो। जो पहाड़ होते हैं बहुत खतरनाक पहाड़ होते हैं, क्योंकि इन्हीं पहाड़ों पे स्लाइडिंग होती है भाई। ऐसे ही है ना? नहीं नहीं फिर कैसे? हम लोग कुछ बुद्धि में पहली बार रहे हैं। इन पहाड़ों से होती है, देखें पत्थर पड़े हुए हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है यार। अस्सलाम वालेकुम। हाँ नैन भाई बहुत ज़्यादा थक गए, इतना थके हैं जिसकी क्या बोले। अभी हमने यहाँ पे स्टे किया थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे चाय शाय पीते हैं, उसके बाद फिर से हुंजा की तरफ निकलते हैं। बाकी तकरीबन 10-15 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है। काम दे गए यार।
ये पार है यहाँ का राका पोशी। ये पार आपको कहाँ मिलेगा? बिल्कुल ही हुंजा से 10 मिनट पहले आपको ये पार मिलेगा। बहुत ही अच्छा है, साल के 12 ही महीने है ना, इस पे बर्फ रहती रहती है। हालांकि यहाँ पे गर्मी है नीचे, मगर क्या है ऊपर पिघलती नहीं है। ओए क्या तो मज़ा है। और हमें यहाँ का लोकल बंदा मिल गया है, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल चाल है? तबीयत सही है यार? ये पार हमें नज़र आ रहा है, यकीनन आपको भी आ रहा होगा, तो इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि इसे बगैर कपड़ों के बंदा जा नहीं सकता, सर्दी लगती है। अच्छा, दूसरा ये है कि बंदा कपड़ों के साथ भी नहीं जा सकता। सही, ठीक है, क्योंकि जिसको हाइकिंग करनी है उसे जा सकता है, और सेफ ट्रेन बंद है। सही, इसके अलावा यहाँ पे कोई नहीं जा सकता। ठीक है, राका पोशी एयरबेस है नीचे, एयरबेस भी है यहाँ पे, राका पोशी एयरबेस। हाँ, राका पोशी से नाम लिखा हुआ है, राका पोशी एयरबेस, एयरबेस ही सिर्फ बेस है। देखने में बर्फ लग रही है मगर ये बर्फ नहीं है। नैन भाई के हिसाब से तो भाई ये स्नो है, समझ गए। चलो, चलो जी, ये हम खड़े हुए थे आगे आगे से, और ये व्यू जो आपको दिखाने वाला हूँ ना, ये व्यू आप देखना फिर बताना कैसा है। ओए माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, कितना अच्छा व्यू है ना। यहाँ से ग्लेशियर जो है ना, उनका पानी आ रहा है नीचे, और उनका पानी की जो है ना स्पीड चेक करें, स्पीड देखें पानी की। बंदा गया ना तो बंदे की सांस या बंदा मिलेगा ही नहीं यहाँ पे। ये वो लोग हैं जो गांव से आते हैं, देहात से। अभी देखो पानी देखा नहीं है, ये देखो हरकतें बच्चों वाली। सबसे बड़ी स्पीड चेक करें, साथ की स्पीड पे है मगर इस तरह के बारे में बताया गया था। बनाने के बाद मजदूरों के हाथ काट लिए, हाँ वो चीनी था, चीनी अपनी जुबान में बोलता था चू हा छा छू हा छी छू 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 छा छू, कैसे बोलते थे थोड़ा बोल के दिखा, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, देखो भाई है ना, भाई है ना, तो अत्ता मोहम्मद, अत्ता मोहम्मद क्या अत्ताबाद। ये कितनी टनल आई है यार, खुश आमदीद। चलो चलो, हो जाए थोड़ा। ये दूसरी टनल भी भाई बहुत भरी है, अभी तक खत्म होने का नाम ही नहीं रह रही। बाकी ऊपर से अगर लाइटिंग होती ना, मजा आ जाता है, यकीन मानो जैसा नहीं थी भाई। सामने बाबा जी का थुल्लू आ रहा है, लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कैंपिंग करके। अभी हम पहुँच चुके हैं अत्ताबाद लेक हुंजा। नैन भाई इधर इधर कहाँ जा रहे हैं? इधर तो आए यार, इधर आए, देखा कितनी बड़ी थी। किसकी? डकी भाई की। यार मैंने कभी गौर नहीं किया। अरे टनल की बात कर रहा हूँ यार मैं, कितनी बड़ी थी टनल जरूर पहाड़ की तरफ। यार अभी एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है वो देखें।
ये पहाड़ बनी हुई है देखें ऊपर कितनी ऊंची है। तकरीबन 9 से 10 साल लगे हैं। हाँ? कितने 9 से 10 साल ये टोटल मिला के छोटी बड़ी करने लिए 5 बनती है। ठीक है, 2 बड़ी है 3 छोटी है और जो भरी जो है तकरीबन बहुत टाइम लगता है उसमें। एक में लगता है 17 से 18 मिनट की ड्राइव है। हाँ। और जो लास्ट वाली है उसमें कम है तकरीबन 12-13 मिनट की, वो भी स्पीड में। और अगर नॉर्मल जो स्पीड टनल में जो अलाउ है ना। हाँ। ठीक है, वो 60 है, 60 के हिसाब से आओ तो 20 से 22 मिनट पहली में लगते हैं और दूसरी में 16-17 मिनट लगते हैं। और ऊपर नीचे स्पीड हो जाती है इसलिए टाइम भी ऊपर नीचे वाली नहीं है इसमें। हाँ। कैमरा वाले चलता है निजाम, चालान वालान का कोई सीन नहीं है ना। और ये पीछे आ गई आपकी ये अटाबाद झील आ गई उस तरफ जो है वो अपना ये होटल्स वगैरह है लेक्सिस वगैरह ये जो भी आ जाए इस तरफ आ जाए। नैन भाई यहाँ पे भाई वाले देखे कैसे कैंपिंग करके बैठे हुए यार। भाई वाले कैंपिंग करके बैठे हुए हैं, इनसे भी मुलाकात थोड़ी बोर होती है, गपशप लगाते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं। सामने ही सामने लेक्सिस होटल, सामने लेक्सिस होटल देखें। और इरादा हमारा था इंशाल्लाह चाइना बॉर्डर का, लेकिन इस वक्त रास्ता बंद हो गया। ठीक है यार, ये तो बहुत गलत बात है, बंद कर देते हैं गाड़ी ने बहुत तंग किया, 7 बजे बंद कर देते हैं तो इसलिए चाइना बॉर्डर कैंसिल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कर लेंगे और वापसी पे हम लोग जाते हैं इस्कर्दो। असल में क्या था, चाइना बॉर्डर जाते चाइना से होने के बाद सीधा इस्कर्दो में ब्रेक लगा दे, मगर अभी क्या है अभी आगे तो नहीं जा सकते क्योंकि रास्ता बंद हो गया है यार। अभी सीधा इस्कर्दो वापसी जाएंगे खाली अतावा झील देखने के लिए, इतना दूर है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? तबीयत सही है भाईजान? भाई क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये भी बलूचिस्तान बलूचिस्तान से आप भी? हां बलूचिस्तान में सऊदी में रहते हैं। सऊदी में होलिया गुड हो गया यार। और सुना तबीयत सही है? कितने दिनों से है, क्या है सुबह आए? कोई हमें 6-7 दिन होंगे निकले हैं। 6-7 दिन जी हां, सही सही सही। आज बॉर्डर से होके आए हैं यार, हमें भी जाना था मगर टाइम नहीं है यार। अभी नहीं अभी बंद हो गए, अभी इस टाइम के लिए अभी तकरीबन 7:30 हो गए, 7 बजे तक जो है बंद कर देते हैं, वरना जाते हैं घूम फिर के जो है इसका इंशाल्लाह। असल में यार वो गाड़ी खराब हो गई थी और कोई मसला अच्छा। नहीं था, उसका इशू बन गया था बहुत ज्यादा। अल्लाह खैर करे और इंजॉय करें आप यार, मेहरबानी मेहरबानी, जजाक अल्लाह। सही है भाई, अल्लाह हाफिज। चैनल है आपका यूट्यूब का? जी यार। कौन सा? असद जफर जी। अल्लाह हाफिज, ठीक है भाई जान, इंजॉय करें। अहमदाबाद का यहाँ तक हमारा सफ़र था, ठीक है। और ये बात देख भी सकते हैं आप कितना ऊंचा और कितना लंबा है। आई मिस चाइना बॉर्डर, बहुत ज़्यादा मिस करूँगा चाइना बॉर्डर को, बहुत ज़्यादा। हंजा से लेके यहाँ तक जितनी भी होटलें थी, सब होटलों में से पूछ के आए भाई खाना है खाना है खाना है, किसी के पास खाना नहीं था, कह रहे थे ख़त्म हो गया, तो इस वजह से खाना हमें कहीं पे मिला नहीं। तो अभी यहाँ पे रुके थे तो भाई से हमने पूछा कि खाना मना है, भाई ने बोला जो बोलोगे हर चीज़ है, चिकन भी है ट्राउट फिश भी है, जो चीज़ें बोलोगे वो सब चीज़ें हैं। तो अभी भाई को आदत ही है चिकन कढ़ाई का, कढ़ाई रेडी करें कढ़ाई खाएँ। भूख लगी है बहुत ज़्यादा क्योंकि आपने देखा होगा सुबह नाश्ता हमने दबा के किया था, उसके बाद हमने दोपहर का खाना नहीं खाया, अभी रात का खाना खाएंगे वो भी दबा के खाएंगे। खाना हमने खा लिया है, ठीक है। सालन हमने बोला था कि भाई चिकन कढ़ाई दो, भाई वालों ने चिकन सालन दिया, सालन बस सही था या गुजारा था। ये देखें ग्लेशियर का पानी ऊपर से आ रहे, ऊपर से पानी आ रहा है और यहाँ पे इन्होंने फ्रिज बनाया हुआ है, इतना ठंडा पानी है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अल्लाह ताला के फजल व करम से हम गिलगित पहुंच चुके हैं, ठीक है। अभी होटल देखते हैं अपने आराम के लिए, घंटा दो घंटा आराम करते हैं उसके बाद फिर से निकलते हैं। बस यार पाकिस्तान का नेशनल जानवर दिखाऊं देख ले मार्को, माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं, दाढ़ी चेक कर और
उसके अलावा ये हिसाब चेक करें, सिंह, चेहरा, दाढ़ी, माशाल्लाह। ये है गिलगित की शाइन होटल, दो मंजिला बनी हुई है, बहुत क्लास की बिल्डिंग बनी हुई है। दो तीन घंटे यहाँ पे आराम करेंगे, फ्रेश होंगे, उसके बाद फिर स्कर्दो की तरफ निकलेंगे। तो आपको कमरे का विजिट भी मैं करवा दूँ, कमरा भी बहुत अच्छा कमरा है, सही है, बड़ा कमरा है, एसी वाला है, वॉशरूम तो बहुत बड़ा है, नोगा जैसा कमरा हो। ये चीज़ जो है मज़ेदार है बहुत ज़्यादा। तो यार हाय 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 मज़ेदार। तो इस व्लॉग को यहाँ पर यही निकालते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ठीक है, अगर पसंद नहीं आया तब भी पसंद करने की कोशिश कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और हाँ शेयर तो लाजमी कीजिएगा। तो मुलाकात होती है अगले किसी अच्छे व्लॉग में, तब तक लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।